हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम श्रेया श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी टीचर। सो क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी के हम सेशंस अभी कर रहे थे। सो क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने उसको स्टार्ट करा था। ऑल राइट, इसके जो पांच पार्ट्स है वो मैंने इसके पहले वीडियोज में आपको समझा दिए हैं, एंड ये है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। ऑल राइट, सो इस लास्ट पार्ट में हम और कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, एंड लास्टली वी विल सी सेल डिविजन। सो द फर्स्ट ऑर्गेनल विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्लास्टिड्स। ओके, सो फॉर टुडेज सेशन वी विल सी प्लास्टिड्स। ऑल राइट, प्लास्टिड्स आर नथिंग बट स्मॉल डॉटेड ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ऑल राइट, एंड कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ये हम यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑल राइट, क्यों सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इसका भी हम लोग रीजन देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। नाउ when we see a plant cell under microscope, we will see some dotted structures. All right, green dots we see. That are what? That are chloroplasts. Chloroplasts जो होते हैं वो एक type के plastids होते हैं जिनके अंदर की chlorophyll present होता है. All right, उसी तरीके से जिस तरीके से chloroplasts होते हैं, we also have other types of plastids. उनका अलग अलग फंक्शन है। ऑल राइट, वी विल सी हेयर वॉट आर दोज टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सो द फर्स्ट टाइप इज क्रोमोप्लास्ट। नाउ वॉट इज दिस क्रोमोप्लास्ट, वी विल सी इट कंटेन्स वेरियस कलर्स लाइक रेड येल्लो। नाउ वॉट डू यू थिंक कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता होगा? वीडियो पॉज करिए और सोचिए। ओके, आई होप सो कि सबने सोचा होगा। बट जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट्स में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लावर को या फिर फ्रूट को कलर प्रोवाइड करने के काम में आते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स के फ्लावर येलो होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर पिंक होते हैं, कुछ के रेड होते हैं। ऑल राइट, सो हम अबंडेंसी किसकी देखते हैं, रेड फ्लावर्स की देखते हैं। रेड येलो ये सारे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, पिंक भी दिखाई देता है, बहुत कम क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर के फ्लावर्स बहुत कम होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट, हैव यू एवर सीन ब्लैक फ्लावर्स? नो, वी विल नॉट सी ब्लैक फ्लावर्स एनीवेयर। ऑल राइट, सो ये जो ब्लैक कलर के फ्लावर्स बनते हैं, जैसे कि ब्लैक रोज हो गया, ब्लू रोज हो गया, ये क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक फ्लावर्स होते हैं। इन्हें ब्रीड करके बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं होते। तो फ्लावर को जो कलर देने का काम होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है, जिसमें कि रेड येलो ऑरेंज पिंक ये सारे ब्राइट कलर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत कम ही ऐसा कुछ प्लांट्स में क्रोमोप्लास्ट देखने को मिला है जहाँ पे कि ब्लू कलर प्रेजेंट हो। ओके, एंड जो नेक्स्ट टाइप है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑल राइट, सो क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन क्लोरोफिल या फिर इट कंटेन्स द ग्रीन कलर। ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल सी ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट? कलरलेस और व्हाइट प्लास्टिड्स। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं या फिर व्हाइट भी हो सकते हैं। ओके, सो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में भी व्हाइट कलर प्रेजेंट होता है, जिससे कि कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उनका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज द लास्ट स्टेटमेंट, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब अगर आपने कहीं प्लास्टिड्स का डायग्राम देखा होगा या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, तो क्या होता है कि वेरियस मेम्ब्रेन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड ये वेरियस मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं एक दूसरे में इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। ओके,
सो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज vacuoles. Now, what do we mean by vacuoles? Vacuoles are nothing but air spaces inside the cells. अगर हम लोग एक सेल की बात करें तो अगर प्लांट सेल की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो प्लांट सेल का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो यहाँ बीच में बहुत बड़ी सी कैविटी रहती है एंड यहाँ न्यूक्लियस शिफ्ट किया रहता है एक साइड में एंड यहाँ पे जो 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 सेल ऑर्गेनल्स हैं मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर ईआर है ये सारे ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम बता रही हूँ तो ये जो एरिया होता है ना ये क्या हो जाता है ये वैक्यूल का एरिया हो जाता है ये वैक्यूल एरिया हो जाता है यानी कि एयर स्पेस हो जाता है. Now, what is the function of these vacuoles? We will see in this slide. Alright, vacuoles are storage sacks for solid or liquid contents. They act as storage sacks. Sacks यानी कि बोरा जिसको हम कहते हैं. तो उसमें क्या होता है? कचरा collect होता है. तो इसी तरह से cell का भी कचरा यहाँ पे collect होता है. Alright, let's see the next statement. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. In plant cell क्या देखा गया है? Plant cell में animal cell से अगर हम compare करें तो क्या होता है? बहुत बड़े बड़े size के vacuoles होते हैं. So what is the function of these vacuoles? They are for protection. They are for रिजिडिटी. तो प्लांट सेल को मैंने आपको पहले ही बताया कि रिजिडिटी चाहिए प्रोटेक्शन चाहिए. ऑलराइट, सो इसीलिए प्लांट सेल्स में ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. फर्स्ट तो हो गया ये एडिशनल मैं बता रही हूँ आपको क्लास 9 में इतना जानने की जरूरत नहीं है बट स्टिल फर्स्ट इज वॉट वी हैव food vacuole, next is we have sap vacuole and the third type is contractile vacuole. Okay, third type is contractile vacuole. Now we will discuss the functions of each of these vacuoles separately. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ food vacuole के बारे में तो क्या होता है कि for example हमने amoeba का ले लिया. Alright, अमीबा में क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए. जब वो फूड उसको इनटेक करना होता है तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं. फैगोसाइटोसिस तो पढ़ा ही है आपने सबने 8th स्टैंडर्ड में. ऑलराइट, तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे. तो जब ये दोनों प्रोजेक्शंस एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हो जाएंगे, जब फ्यूज कर जाएंगे तो ये यहां पर क्या फॉर्म हुआ? यहां पर एक टाइप का वैक्यूल फॉर्म हुआ. ऑलराइट, यहां पर एक टाइप का वैक्यूल फॉर्म हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल. अब इस वैक्यूल के अंदर में होता क्या है? फूड की डाइजेशन होती है. जो फूड इसने इनटेक करा है, मान लेते हैं कि ये एक फूड पार्टिकल था, यहाँ एक फूड पार्टिकल है, अब इसकी डाइजेशन हो जाएगी इस फूड वैक्यूल में. ऑलराइट, एंड डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो इसी फूड वैक्यूल के द्वारा क्या होगा? बाहर में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, सरफेस पे ये छोड़ देगा. ऑलराइट, तो इस टाइप के वैक्यूल को हम कहेंगे फूड वैक्यूल. नेक्स्ट इज सैप वैक्यूल, जिसकी हमने अभी बात करी, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना. अब इस सैप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो सैप है, ये सैप क्या क्या कंटेन कर सकता है? वॉटर कर सकता है, सॉल्ट्स कर सकता है कंटेन. ऑलराइट, अमीनो एसिड्स कंटेन कर सकता है. ऑलराइट, तो इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल्स ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है. लास्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है उसका काम रहता है कि सेल शेप को मेंटेन करना. जैसे हमने इसी चैप्टर में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी बात.
तो उसमें हमने देखा था कि H2O यानी कि वाटर की ओस्मोसिस हो रही है, वाटर अंदर जा रहा है, कभी किसी सॉल्यूशन में सेल स्वेल अप हो जा रहा है, कभी किसी सॉल्यूशन में श्रिंक हो जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर वो पानी आएगा सेल के अंदर, स्वेल अप होगा सेल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी स्वेल अप होगा। ऑलराइट, उसी की वजह से सेल की स्वेलिंग होगी। एंड जब सेल श्रिंक करेगा तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से ही श्रिंक करेगा। ऑलराइट, इतना क्लियर है वैक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं प्लांट के लाइफ में जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें वैक्यूल में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन। लेट्स सी वॉट आर दोज। ओके, so first of all we will see what is cell division. So here is the definition: the process by which new cells are made is called cell division. Now the process by which new cells are made from pre-existing cells, yani ki jo pehle se cell present hai wahi to reproduce karke naya cell banayega. All right, so here we have two types of cell divisions. Ek hai mitosis एंड दूसरा है मियोसिस। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। माइटोसिस में हम देखते हैं कि वन एंड टू डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं एक सेल से। माइटोसिस एक बहुत ही नॉर्मल टाइप का डिवीजन होता है। ऑलराइट, माइटोसिस जो है वो हमें दो डॉटर सेल्स देगा। ओके, एंड ये जो डॉटर सेल्स होंगी ये क्या होंगी? पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी होंगी, इसमें वेरिएशन देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बट जो मियोसिस होगा उसमें हमें 1, 2, 3, 4 फोर डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, एंड ये जो फोर डॉटर सेल्स हमें मिली हैं ये पेरेंट से भी आइडेंटिकल नहीं होंगी एंड एक दूसरे में भी आइडेंटिकल नहीं होंगी। सिमिलैरिटी होगी बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। ऑलराइट, सो ये जो माइटोसिस है एंड ये मियोसिस जो है इसका आप लोग एक बार खुद रिसर्च करके देखिए। एंड जो अगली क्लास होगी मैं उसमें आपको इसका डेफिनेशन बताने वाली हूँ एंड इसका डिफरेंस देने वाली हूँ अलग अलग। ओके, हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन कीप वॉचिंग। बाय बाय।